नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज अपन लोग देखेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी कॉमन टॉपिक, कॉमन डिजीज, जिसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। क्या होता है? इससे पहले हम लोग देखेंगे टॉन्सिल क्या होता है, फिर देखेंगे हम लोग टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस को पैदा करने के लिए या उसे प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उपाय क्या करना चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक दवाई हमको लेनी है इससे बचने के लिए या इसे ठीक करने में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग देते हैं टॉन्सिल। टॉन्सिल जो है हमारी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हमारे थ्रोट में, मतलब बक्कल कैविटी, जो आपका माउथ है, जहाँ से आपका थ्रोट स्टार्ट होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। राइट और लेफ्ट दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। कौन? टॉन्सिल। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में फूड मटेरियल या नोज से एंटर करने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जर्म्स होते हैं, बेकार वाले इन्फेक्टिव मटेरियल होते हैं, जो हमारी बॉडी में डिजीज या बीमारी पैदा कर देते हैं या कर सकते हैं, उनको वहीं के वहीं रोक लेता है, मतलब पेट में अंदर जाने से रोक लेता है। तो जो टॉन्सिल है एक इम्पॉर्टेंट काम करता है, बाहर से आने वाले, नोज से जाने वाले जर्म्स को और मुंह से जाने वाले जर्म्स को यही रोक लेता है, कीटाणुओं को यही रोक लेता है, और अंदर जाने से वो रोकता है, जिससे हमारी बॉडी को वो बीमारी से बचा लेता है, डिजीज से बचा लेता है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में ये इम्यून सिस्टम लाइक वर्क करता है, मतलब हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम भी है, वेरी इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम होता है। लेकिन जब कभी इस टॉन्सिल में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है किसी भी कारण से, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कौन कौन से कारण होते हैं, यदि वो स्वेलिंग आ जाती है तो हम उसे बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। उसे क्या हम बोलेंगे? टॉन्सिलाइटिस बोलेंगे जब उसमें स्वेलिंग हमको मिलती है। तो ये जो स्वेलिंग है ये किस किस कारण से हो जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम लोग देख लें कि जो टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है या जो टॉन्सिल में स्वेलिंग होने की जो कारण है, जो कॉमन एज होती है वो होती है 15 साल। 15 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक मोस्ट कॉमनली टॉन्सिलाइटिस जो है या टॉन्सिल में जो स्वेलिंग है वो 15 साल की उम्र तक मिलता है, मतलब बच्चों में हमको मिलता है। इस प्रकार से मैं कहूँगा कि बच्चों में कॉमनली टॉन्सिलाइटिस होता है। तो बच्चों में कॉमनली टॉन्सिलाइटिस होता है, वो किन बच्चों में होता है? उन बच्चों में होता है जिनमें बार बार सर्दी जुकाम होता है। बार बार यदि किसी को सर्दी जुकाम होता है, उन बच्चों में टॉन्सिलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि किसी को साइनस के, उस बच्चे को साइनस की प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों में भी टॉन्सिलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यदि किसी को एलर्जन या एलर्जिक प्रॉब्लम है, एलर्जन के कारण, कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस के कारण एलर्जी की प्रॉब्लम है, जैसे ही वो एलर्जन के संपर्क में जाता है सर्दी जुकाम हो जाती है, ठीक है, नाक बहने लगती है, साइनस की प्रॉब्लम आने लगती है, तब भी उनको टॉन्सिलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई बार, बहुत कॉमनली मैं क्लिनिक में देखता हूँ, वो बच्चे जिन्होंने ठंडी चीज़ ले ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आइसक्रीम खा ली, ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ खाना खा लिया, फ्रिज में रखा हुआ फ्रूट्स खा लिए, या फ्रिज में रखी कोई भी चीज़ को उन्होंने खा लिया, तो कई बार उनके को टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, कई बच्चों में देखा मैंने ज़्यादा चॉकलेट खा ली उनने, फिर उनको हो जाता है, चॉकलेट खाने के कारण भी हो जाता है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रॉपरली माउथ वॉश नहीं करते हैं, उन लोगों में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस, मतलब टॉन्सिलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो मुंह में फंसे रहते हैं, लंबे समय तक क्लीन नहीं करते हैं, तो वो बैक्टीरिया ग्रो करा देते हैं और टॉन्सिलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफालोकोकस, न्यूमोकोकस, ये कुछ कॉमन बैक्टीरिया है जो टॉन्सिल में इन्फेक्शन या टॉन्सिलाइटिस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कुछ कॉमन कारण होते हैं जिस कारण से टॉन्सिल में स्वेलिंग हमको मिल सकती है। बच्चों में तो कॉमनली मिलती है, बड़ों में कई बार मिल सकती है, लेकिन बच्चों में वेरी कॉमन है। इसके बाद करते हैं लक्षण क्या मिलेंगे। जब भी किसी को टॉन्सिलाइटिस होती है, टॉन्सिल में स्वेलिंग मिलेगा, तो बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा कि
गले में दर्द हो रहा है खाना खाते समय, खाना खाएगा तो गले में दर्द, पानी पिएगा तो गले में दर्द, ठीक है। इसके अलावा बच्चा खाना खाना बंद कर दे क्योंकि जो खाना खाने से क्या हो रहा है, गले में दर्द होता है, ये मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा, उसको उसकी आवाज़ है वो बदल सकती है गले में, क्योंकि टॉन्सिल्स क्या हो गए, स्वेलिंग हो गई तो आवाज़ बदल सकती है। अगली बात, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया है तो उस कारण से कई बार क्या होता है, बच्चों को बुखार आ जाता है, बुखार के साथ साथ क्या होता है, बॉडी एक हो जाता है, कई बार बुखार के कारण होता है। और इसके अलावा बच्चा सुस्त हो जाता है, उसको हमेशा लगता है कि मैं सोया रहूं, पड़ा रहूं, कोई उसको पढ़ाई करने की या कुछ करने की, खेलने का मन नहीं होता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन जो कॉमन लक्षण होते हैं जो आपको बताया मैंने, गले में दर्द, खाना नहीं खा पा रहा है और फीवर। इस कारण से कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बार बार एंटीबायोटिक्स के डोज करते रहते हैं, पेन किलर देते रहते हैं और बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं। तो लेकिन बार बार एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो उससे बॉडी का थोड़ा साइड इफेक्ट्स तो होता ही है, क्योंकि बार बार एंटीबायोटिक्स खाएंगे। तो अब इतनी एंटीबायोटिक्स ना खाकर आपको जो मैं होम्योपैथिक दवाई बताने वाला हूँ वो यदि आप लेंगे तो बहुत लाभदायक इफेक्ट आपको मिलेगा। तो बाबा एंटीबायोटिक्स देते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि इतने अधिक टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी करना पड़ेगा, सर्जरी की बात करनी होती है। लेकिन ये हमारी बॉडी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी बॉडी में जो हवा से आने वाले जम्स हैं और जो खाने में आने वाले जम्स हैं उनको यही रोक लेता है। यदि ये हमारा इम्यून सिस्टम चला जाएगा तो फिर पेट में बैक्टीरिया चले जाएंगे, इन्फेक्टिव मटेरियल चला जाएगा, डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट काम करता है, यदि हम इसे सर्जरी करके काट देंगे तो क्या होगा। तो सर्जरी कराने से पहले आपको कोई होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल के प्रॉपर होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए ताकि आप सर्जरी से बच सके। सर्जरी तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, उससे पहले आपको होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए और उससे 99.9% आपका टॉन्सिल बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है, ऑपरेशन से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो ये लक्षण मिलते हैं। अब आपको बचाव के लिए क्या करना, यदि किसी को बार बार टॉन्सिल होता है तो उसको क्या करना है, दिन में 2 बार तो आपको माउथ वॉश कराना है, प्रॉपरली ब्रश कराइए, जीभी कराइए और मुंह को क्लीन रखना है, क्योंकि थोड़ा भी फूड पार्टिकल आपके मुंह में रहेगा वो वहाँ रहेगा और वो बैक्टीरिया को ग्रो करवा देगा और इन्फेक्शन करवा देगा। इसलिए जिनमें बार बार टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है उनको तो हमेशा दिन में 2 से 3 बार प्रॉपरली ब्रश करके मुंह को वॉश करना चाहिए, खाना खाने के बाद प्रॉपरली मुंह वॉश करना चाहिए ताकि बैक्टीरिया ना ग्रो कर पाए, मतलब फूड पार्टिकल प्रॉपरली मतलब क्लीन हो जाए, वहाँ से निकल जाए। सेकंड क्या है, सिंपल आप घर में गुनगुना पानी ले लें, नमक डाल दें और नमक के गरारे कर लीजिए 3 बार, 2 से 3 बार करें आप, बिल्कुल लाभदायक फ़ायदा आपको मिलेगा, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा इसमें मिलेगा। बहुत सारे लोग करते ही नहीं है लेकिन ये आपको करना है, करेंगे आप जैसे लगता है गले में प्रॉब्लम आ रही है करना चालू कर दें। लेकिन कई बच्चे लोग गार्गल नहीं कर पाते हैं, तब क्या करें, नमक के पानी का गार्गल नहीं कर पाते हैं तो तब क्या करें, उनको कई बार उल्टी हो जाती है नमक के पानी से गार्गल करने से। तो उसके अलावा मैं एक दवाई बताता हूँ, होम्योपैथी में आती है फाइटोलक्का डी का मदर टिंचर आप ले लीजिए। उस मदर टिंचर की आपको 5 बूंद आधा ग्लास या 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें 5 बूंद डाल दीजिए और 5 बूंद डालने के बाद उस पानी से आपको कुल्ला करना है, गरारे करना है, कुल्ला कर ले, गरारे कर ले, वो भी 3 बार करेंगे आप तो आपको देखिएगा यदि दर्द हो रहा है गले में, इन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत जल्दी इसमें क्या मिलेगा, आपको फ़ायदा आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद मैं आपको एक होम्योपैथिक दवाई बताता हूँ जिस दवाई का उपयोग आपको करना है, बेराइटा कार्ब नाम का दवाई आप ले लें, 3x में आपको लेना है बेराइटा कार्ब। छोटे बच्चे हैं तो 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम, सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। मीठी गोली होती है वो बच्चा आसानी से खा लेता है। यदि कोई बड़ा बच्चा है 8 साल से बड़ा है 10 साल का 15 साल का उनको 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम आपको देना है, जिससे आपकी बच्चे का जो इन्फेक्शन है या टॉन्सिल की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इस दवाई को लगातार आपको 3 महीने उपयोग, जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है उनको तो ये दवाई लगातार 3 महीने तक उपयोग करें।
तो जो टॉन्सिल्स में जो स्वेलिंग आ गई है, कई बार कई बच्चों को बहुत दिन तक स्वेलिंग रहती है, एक साल स्वेलिंग रहती है, 6-6 महीने स्वेलिंग रहती है, जिसके डॉक्टर सर्जरी के बारे में बोलने लगता है। इस दवाई को आप लगातार 3 से 4 महीने लेंगे तो जो स्वेलिंग आपकी आ गई वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल साइज में आपके टॉन्सिल्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली मुंह माउथ वॉश करना है, गार्गल करना नमक वाले या फाइटोलक्का डी मदर टिंचर का 5 बूंद लेकर, और साथ में बराइटा कार्ब 3x की गोली आपको लेनी है, लगातार आप ले लीजिए। ये आप करेंगे लगातार 3 से 4 महीने करिए, और उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करें, और या इसके अलावा आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोपहर में 3 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी ठीक नहीं होता है तो कांटेक्ट करना है, तब फिर मैं आपको फिर अकॉर्डिंग टू सिम्टम काउंसलिंग करके स्पेसिफिक दवाई होम्योपैथी में आपको बताऊंगा जो आपको क्योर करने में फ़ायदा करेगी। बैटाकार बहुत हद तक तो ठीक कर देगा, लेकिन यदि नहीं जा रहा उसके बावजूद भी तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और कमेंट करके बताएं कि आपके बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं लाइव क्लिनिक भी करने वाला हूँ, उसमें भी आप मुझे संपर्क कर पाएंगे। लाइव क्लिनिक में भी मैं आपको दवाइयों के बारे में या डिजीज़ के बारे में आप पूछेंगे तो उसके बारे में आपको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्रॉपर डाइट के बारे में आपको मैं बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों।